हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले किन किन चीज़ों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि बस हमें तो किसी भी तरीके से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, चाहे हम कहीं से भी लें, किसी वेबसाइट से, किसी ऐप से, और बस अपने जो ये क्राइटेरिया है इसको पूरा करने के बाद हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज देंगे और वहाँ से हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो उनका चैनल रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो YouTube की मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उसको फुलफ़िल नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको चेक करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजने से पहले। तो इन पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें जो 5वां पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो ये 5वां पॉइंट है, ये ऊपर के 4 पॉइंट्स इसी पे बेस हैं, तो आपको ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैं ये 5 पॉइंट्स बताऊंगा, ये YouTube की जो मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको भी फुलफ़िल करेगा और आपका चैनल जो है बहुत ही जल्दी मोनेटाइज भी होगा, 100% होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेन थीम। अब मेन थीम का मतलब क्या होता है? मेन थीम का मतलब होता है आपके चैनल की कैटेगरी। आपका चैनल किस कैटेगरी का है, टेक का है, कुकिंग का है या गेमिंग का चैनल है, तो इसमें सबसे पहले YouTube की तरफ से आपके चैनल पे यही चेक किया जाता है कि अगर आप, जैसे आपका गेमिंग का चैनल है तो आप उसमें गेमिंग के ही वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं या आप हर रोज़ कोई नई नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जैसे आपने एक दिन गेमिंग का डाल दिया, फिर अगले दिन आपने टेक की वीडियो डाल दी, फिर अगले दिन आपने कुकिंग की वीडियो डाल दी, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको एक थीम को लेके चलना है, जिस कैटेगरी का आपका चैनल है उसी से रिलेटेड आपको अपने चैनल के ऊपर वीडियोस डालनी है। तो यूट्यूब ये ज़रूर चेक करता है और आपको भी ये चेक करना है अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजने से पहले कि आपकी जो कैटेगरी है आप उसी से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं या नहीं। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है इसमें मोस्ट व्यूड वीडियोज़, मतलब आपका जिस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं जिन वीडियोस के ऊपर, उन वीडियोस को चेक किया जाता है YouTube की तरफ से कि उसमें जो व्यूज़ आए हैं वो ऑर्गेनिक हैं या नहीं। कहीं आपने फेक तो व्यूज़ नहीं ले लिए वहाँ पे, किसी ऐप से तो नहीं ले लिए, किसी वेबसाइट से तो व्यूज़ नहीं आ रहे उस पे, तो ये सब चीज़ें उस पे चेक की जाती हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है उस पे ऑर्गेनिक व्यूज़ ही होने चाहिए, मतलब आपके जो व्यूज़ आने चाहिए वो यूट्यूब सर्च से आने चाहिए या फिर यूट्यूब सजेशन से आने चाहिए या फिर ब्राउज फीचर से आने चाहिए, वो व्यूज़ ऑर्गेनिक माने जाते हैं। आपका कोई एक्सटर्नल सोर्स उसमें तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। एक्सटर्नल आपके व्यूज़ नहीं आने चाहिए उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके इंटरनल व्यूज़ ही हों, मतलब यूट्यूब ब्राउज फीचर से आएँ या फिर आपके सजेशन से आएँ या फिर आपके सर्च से आएँ। तो ये है, इन चीज़ों को आपको चेक करना है पहले ही। थर्ड पॉइंट है न्यूएस्ट वीडियो। न्यूएस्ट वीडियो का मतलब है जो आप नई नई वीडियोस उसमें अपलोड करते हैं एक हफ्ते तक की, वो चेक की जाती हैं कि आप जो उसमें वीडियो डाल रहे हैं उस पर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक हैं या नहीं, आप किसी ऐप से तो नहीं ले रहे, तो उनका जो सोर्स है व्यूज़ आने का वो एक्सटर्नल तो नहीं है, आपको ऑर्गेनिक व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों को चेक किया जाता है। और जो आप वीडियोज़ डाल रहे हैं वो आपका ओरिजिनल कंटेंट है या नहीं, ये भी चेक किया जाता है उसमें, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को पहले ही चेक करना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसमें बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वॉच टाइम। जो आपका वॉच टाइम आया है, मतलब जिस वीडियो से आपका सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी एक दो वीडियो ही होती हैं जो वायरल हो जाती हैं एकदम से, उसी से हमारा वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाता है। तो उन वीडियोस का जिसपे सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आया है, 2000-3000 घंटे का वॉच टाइम, उस वीडियो को चेक किया जाता है YouTube की तरफ से कि उस पर जो वॉच टाइम आया है वो आपने किसी ऐप से परचेज तो नहीं किया, किसी वेबसाइट से तो नहीं लिया, मतलब वो फेक तो नहीं है, उस पर ऑर्गेनिक व्यूज़ की तरह ही उस पर ऑर्गेनिक वॉच टाइम आया है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपनी वीडियोज़ में ऑर्गेनिक व्यूज़
ऑर्गेनिक वॉच टाइम ही आना चाहिए आपकी वीडियोस के अंदर, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वरना आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है मोनेटाइज होने में, वो रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है वीडियो मेटा डाटा। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके टाइटल, टैक्स, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल वो सब इसके अंदर आते हैं, ये सब आपके चेक किए जाते हैं यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उनका फ़ोटो लगा देते हैं थंबनेल के ऊपर, ताकि लोग उन्हें देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और जब लोग उन पर क्लिक करते हैं तो अंदर कॉन्टेंट उसके बारे में कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसे ये फेक व्यूज़ होते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। या फिर हम टाइटल में जो नाम लिख देते हैं किसी बड़े सेलिब्रिटी का, तो ये ऐसे काम नहीं करने हैं हमें, या टैग्स हम ऐसे लगा देते हैं जिनका वीडियो से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं होता, मतलब आपके वीडियो में आप कुछ और बता रहे हैं और आपने टैग्स किसी और चीज़ से रिलेटेड लगा दिए हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थंबनेल भी उसी से रिलेटेड रखना है जो आपकी वीडियो है, उसी वीडियो के अकॉर्डिंग आपको टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, और उसमें टैग्स भी वही लगाने हैं जो उस वीडियो में जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को पहले ही, अगर आपने ऐसा किया हुआ है कि किसी और का थंबनेल लगा रखा है, किसी सेलिब्रिटी का थंबनेल लगा रखा है, और उसी वीडियो पे आपके सारे वॉच टाइम भी उसी से कंप्लीट हुआ है, व्यूज़ भी उसी से आए हैं, तो आपको क्या करना है, मोनेटाइजेशन में जाने से पहले उस थंबनेल को चेंज कर लेना है, ठीक है। आपको उस वीडियो से रिलेटेड थंबनेल उसी में लगा देना है, उसमें टाइटल, टैक्स, डिस्क्रिप्शन इन सबको आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको आपको ज़रूर चेक करना है अपने चैनल को मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फुलफिल करते हैं तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये यूट्यूब मोनेटाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हैं, या ये कह सकते हैं ये उनकी पॉलिसीज़ के ही पॉइंट हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।